अगेन आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का ये सेवंथ और लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने सिक्स पार्ट जो है डिस्कस कर लिया था, एक छोटा सा पार्ट होने वाला है। हमारे YouTube चैनल के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आपको क्या मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जो आपके क्वेश्चन आंसर एक एक यूनिट के क्वेश्चन आंसर डले हुए हैं हर एक यूनिट का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा बचा हुआ था क्रिएटिंग ऑफ चार्ट यूजिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में चार्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट होता क्या है? तो बेसिकली चार्ट क्या होता है, किसी भी डेटा को जो है हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए जिस भी मेथड का उपयोग करते हैं उसी को बोला जाता है चार्ट। अब चार्ट क्या करता है, डेटा को कंपेयर करना, एनालाइज करना, उसको रिप्रेजेंट करना, जिससे जो नंबर रहता है वो ग्राफिक्स के रूप में आपको दिखाई देता है और वो जो है बहुत इफेक्टिव तरीके से जो है वो समझ भी आ जाता है। तो बहुत सारे डेटा रहते हैं उसमें एनालाइज करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, लेकिन चार्ट के थ्रू जो है हम आसानी से क्या कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के चार्ट होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ चार्ट के बारे में बताया गया है, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एक्स वाई स्केटर चार्ट। तो कॉलम चार्ट क्या करता है कि कंपेयरिंग क्लासेस ऑफ डेटा आइटम इन द ग्रुप कंपैरिजन होता है इसमें भी, और वैसे ही बार चार्ट में भी जो है ग्रुप कंपैरिजन होता है। लाइन चार्ट भी वैसे ही होता है और पाई चार्ट भी जो है क्या करता है आपको परसेंटेज के रूप में उस डेटा आइटम को दिखाई देता है। वहीं पे एक्स वाई स्केटर चार्ट क्या करता है, कंपेयरिंग डाटा इन पेयर। जब दो डेटा को आपको कंपेयर करना रहेगा तो एक्स और वाई मान के चलिए दो अलग अलग डेटा है उसको कंपेयर करना है, तो एक्स वाई स्केटर चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक जो है मैंने डेटा सीट बनाया है रिजल्ट का, उसी में हम जो है चार्ट क्रिएट करके देखते हैं। तो इसका यहाँ पे मेथड बताया गया है, चार्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप का डेटा रहेगा, उसको अगर चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो ये भी आप करके देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो है इसको क्या करते हैं, डेटा को जो है चार्ट के रूप में क्रिएट करके देखते हैं। तो चलिए मैं चले जाता हूँ, मैंने जो सीट बनाया है उसके ऊपर मैंने ये सीट बनाया था। अब सिंपली अभी अगर मैं जाके डायरेक्ट, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मेन्यू में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है चार्ट का। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चार्ट में जाता हूँ तो आपको जो है एक जो है प्री डिफाइंड जो है पहले से जो इस डेटा सीट के आधार पर जो है एक चार्ट बन के आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे रोल नंबर हेडिंग में। लेकिन ये चार्ट जो है ऑर्गेनाइज नहीं है, इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे चार्ट में जाते हैं आप, चार्ट तो हमारे सामने बन के आ गया है। आप इसको पाई चार्ट के, बार चार्ट के रूप में देखना चाह रहे हैं कि पाई चार्ट के रूप में देखना चाह रहे हैं, या फिर आप एरिया चार्ट के रूप में देखना चाह रहे हैं, लाइन चार्ट के रूप में देखना चाह रहे हैं, या फिर आप एक्स वाई स्केटर चार्ट के रूप में देखना चाह रहे हैं। तो ये आपके ऑप्शन आ जाते हैं कि आप किस तरीके से देखना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो डेटा है, इन्होंने जो डेटा सेलेक्ट किया अपने से सेलेक्ट किया है, और इसमें जो है सही हमको चार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको एक जो है चार्ट क्रिएट करना है जिसमें स्टूडेंट के नेम और उसका परसेंटेज के बेस पे एक चार्ट क्रिएट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट किया, उसके टाइटल के साथ साथ ही साथ परसेंटेज को सेलेक्ट किया कंट्रोल की को प्रेस करके, और हम चले जाते हैं यहाँ पे इंसर्ट में, देन उसके बाद चले जाते हैं यहाँ पे चार्ट में। तो जैसे चार्ट में जाते हैं तो हमारे पास अभी जो चार्ट आया है वो आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये जो चार्ट बन के आया है उसमें जो है यहाँ पे नेम दिया हुआ है, उसका कितना परसेंट है, लगभग 70-80% के बीच जो है आरिफा कौर सर का है, अफशा मेमन का यहाँ पे जो है 90 से ज़्यादा है, अमन अली का जो है यहाँ पे जो है। तो इस तरीके से आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं डेटा को, और साथ ही साथ जैसे कॉलम चार्ट आता है तो हमारे पास ऑप्शन भी आ जाता है कि किस टाइप का आप कॉलम चार्ट लेना चाहते हैं, परसेंटेज के बेस वाला लेना चाह रहे हैं। तो इस तरीके का भी आप क्या कर सकते हैं, कॉलम चार्ट लिया जा सकता है। अब उसके अलावा जो है यहाँ पे बार चार्ट भी है, आप चाहते हैं तो बार चार्ट भी ले सकते हैं। आप इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई चार्ट में भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें अमित शर्मा का जो मार्क्स रहेगा वो ग्रीन कलर का है, ये सारा कलर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। एरिया चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना है, सिंपली एरिया चार्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है। तो यहाँ पे जो है अफशा मेमन का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। तो इस तरीके से हम जो है इसको लाइन चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना है वो भी कर सकते हैं, लाइन के रूप में यहाँ पे डॉटेड लाइन आ जाएगा।
एक्स वाई स्केटर के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो वो भी किया जा सकता है, एक्स वाई अलग अलग जो है स्टूडेंट पर। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे ही हमको लगता है कि हमारा जो कॉलम चार्ट है या पाई चार्ट हमको अच्छा लगता है तो हम सिंपली इसको क्रिएट करने के बाद इस टाइप का भी हम यहाँ पे पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है तो डिफरेंट हमको टाइप यहाँ पे मिल जाते हैं चार्ट के, इसमें से जो आपको अच्छा लगे उस चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली फिनिश कर देना है। फिनिश होने के बाद ये चार्ट हमारा जो है ये क्या हो गया, क्रिएट हो गया है। आप इस चार्ट को चाहे तो किसी और अदर एप्लीकेशन में यहाँ से कॉपी करके आप आसानी से इसको ले जा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चार्ट, तो आपको समझ आ गया होगा कि चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। चार्ट का हमारे जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी डेटा को अगर ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, चार्ट का उपयोग करते हैं। और हमने डिफरेंट चार्ट के बारे में भी देख लिया, तो पाई चार्ट जो है यहाँ पे एक सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो है सारा टॉपिक यहाँ पे हमारे बुक का कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो है हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और हमने ऑलरेडी जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया है, तो आप हमारे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारे क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।